हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम सीजीपीएससी मेंस के लिए रेफरेंस बुक, मतलब किसको एग्ज़ाम के लिए अपना रेफरेंस बुक बनाए, इस चीज़ का अवलोकन करेंगे। तो आइए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र क्रमांक एक, भाषा। इसमें फ्रेंड्स यह तीन भागों में डिवाइड है। सामान्य हिंदी के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद सबसे बेस्ट बुक है और यहीं से क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आप लोग इसको अपना रेफरेंस बुक बना सकते हैं। जनरल इंग्लिश के लिए केपी ठाकुर ब्रेन एंड मार्टिन की बुक है। फ्रेंड्स केपी ठाकुर सबसे बेस्ट है, लेकिन ब्रेन एंड मार्टिन हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सअप दिया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए छत्तीसगढ़ी बोली प्रतियोगिता सारांश टुटैया ट्यूटोरियल की बुक सबसे बेस्ट है। आप लोग छत्तीसगढ़ समग्र की भी बुक छत्तीसगढ़ी बोली के लिए फॉलो कर सकते हैं। पेपर नंबर टू, निबंध। इसमें दो भागों में डिवाइड है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे एवं छत्तीसगढ़ राज्य के समस्या। इसमें पहला पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में आप लोग प्रतियोगिता दर्पण से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निबंध लेख बहुत सारे रहते हैं और डाटा आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके लिए योजना मंथन निबंध एवं जनसत्ता एवं दैनिक भास्कर के संपादकीय पेट भाग को आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसे कैसे लिखना है। फ्रेंड इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि यहाँ करेंट से क्वेश्चन जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जैसे अभी जम्मू कश्मीर 370 की धारा हटाया गया है, ये सब टॉपिक्स इसमें आ सकते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण है। तो फ्रेंड्स इसके लिए कोई भी टॉपिक को इम्पॉर्टेंट बोलना गलत है, क्योंकि ये उन लोग का मन है कि कौन सा टॉपिक पूछेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों से अपना रेफरेंस बना सकते हैं, एक अच्छा ऐसे तैयार कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ इस तरह के मुद्दों के लिए विकास परक और रोजगार नियोजन के लास्ट साइड में बहुत सारे डाटा बेसिस रहते हैं, उसको भी आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। और प्रतियोगिता सारांश जो टुटैया ट्यूटोरियल निकालती है, उसको आप लोग परचेस कर ही लीजिएगा। अगर इस साल का नहीं मिले तो पिछले साल का परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे का जो फ्रेम है उसको लिखना कैसे है। और ऐसे के लिए मेरे चैनल में मैंने 2 से 3 वीडियो ऐसे के बनाए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाकर अवलोकन कर लीजिएगा। इन फ्यूचर मैं और भी टॉपिक्स में ऐसे ज़रूर बनाऊँगा। प्रश्न पत्र तीन, इसमें भारत का इतिहास है, संविधान है, लोक प्रशासन है और छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो भारत के इतिहास के लिए एनसीईआरटी की बुक 8वीं से 12वीं तक सबसे बेस्ट है। फ्रेंड्स ये आपको एलोरा बुक डिपो और वहाँ आसपास की फ़ोटो कॉपीज दुकान में मिल जाएंगी, या फिर आप लोग यूनिक पब्लिकेशन के लिए की बुक को प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्र की बुक सबसे बेस्ट है, आप लोग इसी को फॉलो कीजिएगा। संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत ने बहुत ही बेस्ट दिया है और ये यूपीएससी के सिलेबस को कवर करता है। तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि संविधान के लिए आप लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक ही परचेस करें। लोक प्रशासन के लिए बीएल फड़िया की बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और प्रतियोगिता सारांश एक पतली सी बुक आती है टुटैया ट्यूटोरियल की, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसके लिए, लोक प्रशासन के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए प्रतियोगिता सारांश सबसे बेस्ट है और छत्तीसगढ़ समग्र भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न पत्र फोर भी 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट है 9वीं और 10वीं के विज्ञान की बुक। इसमें आपको डिटेल में सब चीज़ें मिल जाएंगी और अजय माला 9वीं और 10वीं की अजय माला को भी आप लोग फॉलो कीजिए। इससे क्वेश्चन आंसर कितना लिखना है और कैसे लिखना है ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। योग्यता परीक्षण और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको दीपक कुमार रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए एसटी यादव या फिर आरएस अग्रवाल को रेफरेंस कर सकते हैं। अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान के लिए परीक्षा मंथन, कंप्यूटर पार्ट के लिए परीक्षा मंथन और प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक पार्ट को आप लोग इसके लिए देख सकते हैं, जो प्रौद्योगिकी के लिए है। और पर्यावरण के लिए पर्यावरण अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हैं। पेपर नंबर 5, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की बुक सबसे बेस्ट है और प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक भाग को भी आप लोग इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डाटा बेसिस योजनाएं वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता सारांश टुटैया ट्यूटोरियल के बेसिक के लिए देख सकते हैं। और अर्जुना पब्लिकेशंस हर 6 महीने में
अर्थव्यवस्था के डाटा निकालती है और योजनाओं के लिए बुक निकालती है, उसको आप लोग करेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं, और बीच बीच में आर्थिक सर्वेक्षण की बुक या फिर आर्टिकल निकलते हैं उसको भी आप लोग इसके लिए देख सकते हैं। भारत के भूगोल के लिए महेश बर्णवाल की बुक सबसे बेस्ट बुक है, और सेकंड में आप लोग टूटैया ट्यूटोरियल की प्रतियोगिता सारांश को अवलोकन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए प्रतियोगिता सारांश सबसे बेस्ट है टूटैया ट्यूटोरियल की, और आप लोग और अपना रिफ्रेंस करना चाहते हैं तो समग्र छत्तीसगढ़ समग्र को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि प्रतियोगिता सारांश को ही आप लोग रिफ्रेंस बुक बनाएं। प्रश्न पत्र 6 के लिए दर्शन शास्त्र के लिए BA की बुक और गाइड को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लेंदी टाइप का सिलेबस है ये, और प्रतियोगिता सारांश एक पतली सी बुक आती है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वैसे समाजशास्त्र की बुक के लिए भी आप लोग BA की बुक और गाइड को प्रतियोगिता सारांश की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर और आप लोग डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो गुप्ता एंड शर्मा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य के लिए टुटैया ट्यूटोरियल की प्रतियोगिता सारांश सबसे बेस्ट और मस्ट है, इसके लिए किसी और को आप लोग फॉलो मत कीजिएगा। पेपर नंबर 7 थोड़ा लेंदी टाइप का सिलेबस है, इसके लिए आपको भाग 1 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून के लिए प्रतियोगिता सारांश की बुक को फॉलो करना है। और फ्रेंड्स, आप लोग लॉ की बुक डिपो में जाइए और जितने भी अधिनियम हैं उसकी पतली पतली बुक खरीद लीजिएगा, और छत्तीसगढ़ विकास परक को योजनाओं के लिए फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाओं के लिए प्रतियोगिता दर्पण करंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से करंट से क्वेश्चन आते हैं, करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन जैसे 2018 में आया था रेड और येलो कार्ड में क्या अंतर है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करंट से ही आते हैं, और अर्जुना पब्लिकेशन को भी इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान, इसके लिए आप लोग UGC नेट की पुस्तक या फिर यूनिक पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके लिए UGC नेट की बुक ही आप लोग परचेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट दिया गया है। स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए